हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कुक विद रांशि। और आज हम आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर आए और उसका नाम है वन पॉट पास्ता इन व्हाइट सॉस। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। वन पॉट व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप पास्ता, 1 कप कॉर्न, 1/2 कप स्मॉल अनियन, प्रोसेस चीज, 2 कप मिल्क, 2 टेबलस्पून रिफाइंड फ्लोर, 2 टेबलस्पून घी और बटर, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, पास्ता मिक्स, काली मिर्च पाउडर एंड सॉल्ट टू टेस्ट एंड सम गार्लिक। वन पॉट पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में 2 टेबलस्पून घी डालेंगे और उसके अंदर गार्लिक डालेंगे और उसको चलाएंगे। तो अच्छे से सॉटे करेंगे, अनियन डालेंगे, गार्लिक सॉटे हो गए, अब इसके अंदर हम अनियन डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे 1-2 मिनट के लिए। अब इसमें हम कॉर्न डालेंगे और वापस से मिक्स करेंगे। अब मैदा डालेंगे। ध्यान रखना है जितने हमने घी और बटर डाला है उतनी ही मैदा होनी चाहिए बराबर, तभी अच्छा सॉस बनेगी। और इसको 1-2 मिनट के लिए अच्छे से मैदा को भूनेंगे। अब हम इसमें 2 कप दूध डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही में डालेंगे मैक्रोनी पास्ता, कोई भी अपनी चॉइस का ले सकते हैं। मैंने मैक्रोनी पास्ता लिया हुआ है और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें नमक, काली मिर्च, ऑरिगेनो, पास्ता मिक्स और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और उसको अच्छे से मिक्स करें। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप पानी और अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको थोड़ी देर ढक के पकने देंगे। पानी आप अपने अकॉर्डिंग, अगर इसमें कम हो जाए तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इसको बीच बीच में हम चलाएंगे और पास्ता के कुक होने तक इसको पकने देंगे। पास्ता अच्छे से बॉईल हो गया है, अब हम इसके अंदर प्रोसेस चीज डालेंगे और लाएंगे।
पास्ता बनके तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे और ऊपर से मोजरेला चीज या प्रोसेस चीज अपने पसंद की डाल के एंजॉय करेंगे। यम्मी यम्मी पास्ता बनके तैयार है, मैं तो चली इसे खाने। आप भी इसे घर पे ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया